9 days, 9 lush green parks of Delhi के day 9 में आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आई हूँ सुंदर नर्सरी। इसके टाइमिंग्स हैं मॉर्निंग 7 AM टू 10 PM और इसकी एंट्री टिकट है ₹50 पर पर्सन। यहाँ पर हैं बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और हैं यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क जो है एक रफ एंड टफ प्ले जोन। सुंदर नर्सरी को पहले अजीम बाग के नाम से जाना जाता था। मुगल टाइम्स में ये 20th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुई थी। यहाँ पर ब्रिटिशर्स की नई कैपिटल के लिए पेड़ भी उगाए जाते थे। इसको अब दोबारा से डेवलप किया गया है एनवायरनमेंट डेवलपमेंट करने के लिए और हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप्स को रिस्टोर करने के लिए। यहाँ पर एक मस्त कैफे भी है जिसका नाम है फैब कैफे बाजली और यहाँ पर फूड ट्रक भी हैं जो दिखने में है बहुत ही अट्रैक्टिव और इनका प्राइस भी रीजनेबल है। अब दिख रहा है पूरा का पूरा फूड ट्रक। तो अब हम आगे पार्क में जा रहे हैं। अब हम आए हैं लोटस पॉन्ड के गार्डन में। ये सुंदर नर्सरी के अंदर के अट्रैक्शन हैं। ये है लोटस पॉन्ड। इसमें सचमुच में लगे हुए हैं लोटस पिंक और पर्पल कलर के। देखो लगे हुए हैं। गार्डन है बहुत ही वेल मेंटेन्ड। ये है यहाँ का एम्फी थिएटर जहाँ पर होते हैं बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स। यहाँ पर मुगल एरा के मॉन्यूमेंट्स भी हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी हैं। जैसे ये है एक सुंदर बुर्ज। सुंदर बुर्ज दिल्ली के यूनिक मॉन्यूमेंट्स में से एक है। इसमें जो ये रेड जाली लगी हुई है और जो लक्कड़ का गेट है ये बहुत ही सुंदर लगा हुआ है। सुंदर बुर्ज तो सचमुच ही सुंदर है। अब इसको अंदर से देखते हैं अंदर किससे कितना सुंदर है ये। यहाँ पर कुरान की आयतों की स्पेशल पट्टी है और जो टोम की सीलिंग है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिक स्टार पैटर्न प्लास्टर वर्क से बनाई गया है। अब देखते हैं बाहर का व्यू। ये है यहाँ का बहुत ही मस्त लैंडस्केप। यहाँ का पानी है बहुत ही साफ पर आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते और इसमें पैर डाल के बैठना मना है। ये है यहाँ के सुंदर सुंदर फूल जो कि इस गार्डन को बना रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल। अब है 16th सेंचुरी मुगल पीरियड का लक्कर वाला बुर्ज। इसके पास है गुलिस्तान जहाँ पे लगे हैं काफी डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर। अब हम आ गए हैं लेक के पास। यहाँ पे बैठकर आ रही है मेरे को बहुत सारी बर्ड्स की आवाज। अब हम जा रहे हैं कैफे की तरफ। वैसे तो हम घुसते ही कैफे ढूंढने लग गए थे पर अब पता चल गया कि कैफे पास में ही है। सुंदी पा रहे हैं अपने झोड़ को कैप्चर करते हुए। कैफे के रास्ते में आ गया है अजीम बाग। आगे ये एक और सुंदर सी बेंच, मुझे तो विक्टोरियन स्टाइल लग रही है। आगे चलते ही इतना सुंदर सा पेड़ नजर आ रहा है। ये गिर चुका है पर फिर भी कितना सुंदर है। अब ये आ गए हैं अजीम बाग के फ्लावर्स और फाइनली कैफे भी नजर आ गया है। इसका नाम है फैब कैफे। ये है इसका एंट्री पॉइंट। यहाँ पे कुछ चेयर्स लगी हुई लेक साइड और थोड़ा सा है ये कवर्ड एरिया। इनके पास है क्लासी वुडन चेयर्स। हम भी यहीं आके बैठे क्योंकि यहाँ पे कूलर की हवा आ रही है। हमारा ऑर्डर गया है ये एक है चॉकलेट आइसक्रीम शेक और एक है वाटरमेलन जूस। वैसे जब पता नहीं होता ना कि वीडियो बन रही है तब ज़्यादा अच्छी पिक्चर आती है। मुझे इस कैफे की वाइब्स लगी बहुत ही कूल। अब शुरू हो गया है बायोडाइवर्सिटी जोन। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जोन को डेवलप किया गया है जिससे दिल्ली के नेटिव प्लांट स्पीशीज को उगाया जाए। यहाँ पर है चिल्ड्रन जोन भी। शाम को 4 बजे से टिकट रहती है, वो 4 दिन फ्री रहता है। अच्छा, किस दिन फ्री रहता है? ऑल डे फ्री है, संडे को फुल डे। अब हम एंट्री कर रहे हैं चिल्ड्रन जोन में। ये स्टाइल के अंदर से होके जाना है। यहाँ पे बना हुआ है ट्री हाउस। इनको देख के तो बचपन याद आ गया, हम भी इनके ऊपर चल के जाते थे। यहाँ पे होती है जिप लाइन भी और बच्चों के लिए है कलरफुल और फैंसी स्लाइड। कलरफुल टायर्स भी हैं बच्चों के लिए। पूरा टास्क है पहले इसके ऊपर से कूद कूद के जाओ, फिर टायर्स के ऊपर से कूदो और फिर ट्री हाउस में चले जाओ। अब चलते हैं बाहर वापस इस चरण में से निकल के। अरे ये कितना मस्त है। संदीप का मन कर रहा है इसके ऊपर चढ़ने का और संदीप चढ़ भी गए हैं। लो बंदा कितना बड़ा हो जाए पर बचपना तो रहता ही है। मजे आ रहे हैं संदीप को। यहाँ पर बर्ड और बटरफ्लाई जोन भी है। बच्चों के लिए यहाँ पे काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है बीज के बारे में, फ्लावर्स के बारे में। अब हो गया हमारा घर जाने का टाइम। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।